ए राजा तनी जाए की हीरोइन मधु के बारे में आजकल हर कोई जानना चाहता है और लगातार मधु फेसबुक से लाइव आकर अपनी प्रॉब्लम अपने फैंस को बता भी रही हैं। आपको बता दें कि मधु कोलकाता की रहने वाली हैं और इन दिनों कोलकाता में ही है और वहीं से उन्होंने अपना एक वीडियो लाइव किया है और लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताई है। मधु का कहना है कि इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, जबकि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ही छोटी है, फिर भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन कंपटीशन अगर हेल्दी होता तो प्रॉब्लम की बात नहीं होती, लेकिन यहाँ कंपटीशन इस तरह नहीं है, गला काट वाला कंपटीशन है। आपका काम लोग कब आपसे छीन ले जाएंगे, आपके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाएंगे और आपकी इमेज फैंस की नज़र में डाउन करेंगे। वैसे आपको बता दें, आजकल मधु जिस भी गाने में होती हैं वो गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है और भोजपुरी की नंबर वन मॉडल बन चुकी हैं। ए राजा तनी जाई ना बहरिया में तो उनके परफॉर्मेंस की जोरदार तारीफ हो रही है और साथ ही साथ वो इंडियन लुक में बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं। उन्होंने राकेश मिश्रा से पहले भी रितेश पांडे, अरविंद अकेला कल्लू, पवन सिंह जैसे कई बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं और सभी में उनके काम की तारीफ दमदार हुई है और ऐसे में अब उन पर हमला किया जा रहा है। जी हाँ, ऐसी खबर आ रही है कि लगातार उन पर ये दूसरी बार हमला किया गया है और इस चीज़ को वो कट और इस चीज़ को वो सभी के सामने ला रही हैं और इस पर भी उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। वैसे भी इन दिनों मधु की डिमांड बहुत बढ़ गई है और मधु को इंटरनेट पर बहुत सर्च भी किया जा रहा है। मधु सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती है। वो बेसिकली कोलकाता से बिलोंग करती हैं और मधु के बारे में हर कोई सब कुछ जानना चाहता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।